टिहरी में हाईकोर्ट की तरफ से गठित कोविड मॉनिटरिंग कमेटी की आज बैठक है। कमेटी के सदस्यों ने नगर पालिका को फटकार लगाई है। ट्रेड फेयर के आयोजन पर नगर पालिका की ओर से ये लताड़ लगाई गई है। कहा यह है कि बिना कमेटी के परमिशन के ये ट्रेड फेयर कैसे चल रहा था। पालिका को कोविड की गाइडलाइन के अनुसार शपथ पत्र देना होगा, उसके बाद ही ये ट्रेड फेयर लगाया जा सकता है। और उधर पूर्व सीएम हरीश रावत मसूरी पहुंचे, यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा की और फिर दिल्ली स्वीट्स शॉप पहुंच गए। हरीश रावत ने यहां जलेबी बनाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। वहीं हरीश रावत ने जलेबी बनाकर लोगों को खिलाई भी। हरीश रावत ने जलेबी बनाते हुए प्रदेश सरकार को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में बजट की जलेबी बना दी है और वो मसूरी में हकीकत की जलेबी बना रहे। तो इस मीठी राजनीति के बाद बात हल्द्वानी की, जहां फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फायरिंग करने वाले बदमाश तब तक फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक गोली गौरव वानखेड़े नाम के युवक ने चलाई है। गोली गौरव के हाथ के पास से छूकर निकल गई। उसे घायल हालत में बेस हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। और हरिद्वार महाकुंभ में इस बार किन्नर अखाड़ा भी शाही स्नान करेगा। किन्नर अखाड़ा के शाही स्नान को लेकर अखाड़ा परिषद में काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपने साथ स्नान करने की अनुमति दे दी है। इन दिनों जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हरिद्वार में ही मौजूद हैं। उनके साथ अखाड़ों के कई सदस्य भी मौजूद हैं। इस बार पेशवाई से लेकर शाही स्नान तक किन्नर अखाड़ा हरिद्वार में ही मौजूद रहेगा। किन्नर अखाड़ा ने पहली बार ही जूना अखाड़े के साथ ये पेशवाई में हिस्सा लिया है। इसके बाद किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने हरिद्वार की जनता को धन्यवाद भी किया। हरिद्वार में कुंभ का आगाज हो गया है और तमाम संतों का हरिद्वार में आना भी शुरू हो गया है, लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण है किन्नर अखाड़ा, क्योंकि किन्नर अखाड़ा इस बार हरिद्वार में पहली बार शाही स्नान करेगा और पहली बार ही हरिद्वार में पेशवाई में शामिल हुआ है। हमारे साथ किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर माता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है किन्नर अखाड़े के लिए और वो हरिद्वार में मौजूद भी हैं। माता जी, स्वागत आपका वीपी गंगा में। जूना अखाड़ा के साथ जो किन्नर अखाड़ा पेशवाई में शामिल हुआ, उसमें मैं शत शत प्रणाम करना चाहती हूँ मेरे हरिद्वार वासियों को और मेरे जूना अखाड़े के आचार्य गद्दी से लेके छोटे से छोटे महंत तक और ये कार्यकर्ता तक मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद हरिगिरी महाराज ने, जिसने पुरुषार्थ दिखाते हुए हम किन्नरों को सत्य सनातन धर्म में जूना अखाड़े के साथ जोड़ा। मैं एक ध्वज अकेले लेके चली थी, पर हरिगिरी महाराज ने उस ध्वज को बहुत बड़ा कर दिया। जब हमारा ध्वज स्थापित हो रहा था, मेरे आँखों से आंसू थे, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा हमारे जूना अखाड़े के, हरिगिरी महाराज और बहुत सारे लोग, उसी को सब कुछ वही देख रहे थे। ये समस्या है कि कुंभ के अगले महीने शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में आपके साथ तमाम संत रहेंगे, तमाम स्वामी रहेंगे, उनके रुकने की व्यवस्था कैसे होगी, आपकी किसी से बातचीत हुई है इस बारे में? क्योंकि दीपक रावत जी को हमने लिखित तौर पर दिया हुआ है, उन्होंने आश्वासन दी, कल हमारा स्वागत भी किया। हमारी डेलीगेशन, जब अभी हाल में रावत जी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम उन्हें भाई कहते हैं, मुझे आशा है कि गवर्नमेंट हमारा अच्छे से देखभाल करेगी और हमारी सुध लेगी। क्योंकि देखिए, बहुत आसान है तिरस्कार करना, राजगद्दी पे बैठ के आसान होता है, पर हमारे लिए जो भी राजा है वो नारायण समान होता है, मैं धर्म से कहती हूँ। तो उसकी कर्तव्य होते हैं और वो कर्तव्य पूर्ण ना करेगा तो वो, हम हक की लड़ाई लड़ते आए हैं, आज से नहीं है, मैं 99 से लड़ रही हूँ और हम लड़ेंगे। मेरा सम्मान इतना छोटा नहीं है कि कोई मेरे सम्मान को नीचे गिरा दे। अगर वक्त पड़ा तो मुझे रास्ते पे टेंट लगा के, एक झोपड़ी बना के, या एक प्लास्टिक तो यूज़ भी नहीं करना चाहिए, एक कुशा की झोपड़ी बना के मुझे, या खुले में गद्दा डाल के बैठ के घाट पे स्नान करना पड़ेगा, तो वो किन्नर करेंगे। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर माता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमारे साथ अपनी कई बातें साझा की हैं और खासकर कुंभ को लेकर उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि उनके लिए अभी यहाँ रहने की कोई
जगह नहीं है, उसकी अपील भी उन्होंने मेला प्रशासन और सरकार से की है कि वो उन्हें रहने के लिए स्थान दें। हरिद्वार से मेरे सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज।